हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ डिमांड का पार्ट थर्ड वीडियो। इसमें आज हम लोग क्या क्या कंप्लीट करेंगे, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, मार्केट डिमांड फंक्शन एंड लॉ ऑफ डिमांड। तो सब चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन क्या होता है? पहले के वीडियोज़ में हमने पढ़ा था कि डिमांड किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो डिमांड के बारे में हम लोगों ने जाना था कि डिमांड जो होता है बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता था, प्राइस पर डिपेंड करता था, प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटीज़ पर डिपेंड करता था, इनकम ऑफ द कंज्यूमर पर डिपेंड करता था, टेस्ट एंड प्रेफरेंस पर डिपेंड करता था और भी कुछ कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता था। तो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन क्या है? एक फंक्शनल रिलेशनशिप दिखाएगा डिमांड में और उन्हीं सब फैक्टर्स के बीच में। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन रेफर्स टू फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल डिमांड एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंडिविजुअल डिमांड। तो यहाँ दिखाया गया है कि जो डी एक्स है, मतलब डिमांड जो है वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो वो डिपेंड कर रहा है डिमांड ऑफ द कम्युनिटी, प्राइस ऑफ द गिवन कम्युनिटी पर डिपेंड कर रहा है। पी आर का मतलब है प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड गुड्स का मतलब है सब्सटीट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, मैंने पहले वीडियोज में बताया था, अगर आपने नहीं देखा तो उसको जरूर देख लीजिए। वाई का मतलब इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टी का मतलब टेस्ट एंड प्रेफरेंस एंड एफ का मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर है। तो डिमांड फंक्शन है क्या बेसिकली? डिमांड फंक्शन कुछ नहीं होता है, एक फंक्शनल रिलेशनशिप दिखाता है डिमांड के बीच में और जो जो फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं। ये बहुत सिंपल सा डिफिनेशन है इसका, ठीक है। उसी तरह से मार्केट डिमांड फंक्शन भी होता है। मार्केट डिमांड फंक्शन क्या होता है? तो मार्केट डिमांड फंक्शन जो होता है ये भी रिलेशनशिप को ही दिखाता है मार्केट के डिमांड में और कौन कौन से फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं। बट इसमें और इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में सिर्फ दो ही तीन चीज़ का डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन था उसमें भी प्राइस ऑफ द पी एक्स दिखाया गया था, पी आर दिखाया गया था, वाई का मतलब इनकम भी दिखाया गया था, टी का मतलब टेस्ट एंड प्रेफरेंस दिखाया गया था, एफ का मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन फ्यूचर भी दिखाया गया था। लेकिन जहां मार्केट डिमांड आ गया, यहां सिर्फ पांच फैक्टर इफेक्ट नहीं करते हैं, इसको तीन फैक्टर्स और इफेक्ट करते हैं। पी जिसका मतलब है पॉपुलेशन का साइज क्या है, एस का मतलब है सीजन एंड वेदर क्या है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम डी शो करता है। तो मार्केट डिमांड फंक्शन कुछ नहीं, एक फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द मार्केट डिमांड एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग द मार्केट डिमांड है। तो अब आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि डिमांड फंक्शन कुछ बड़ा चीज़ नहीं है। डिमांड फंक्शन नॉर्मली एक रिलेशनशिप दिखाता है डिमांड के बीच में और व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग दैट डिमांड। जो हम लोगों ने नॉर्मली पढ़ा था उसको एक सिंबल में शो करने के सिस्टम को ही डिमांड फंक्शन कहा गया। डिमांड पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था, इंडिविजुअल डिमांड होता था, मार्केट डिमांड होता था, इंडिविजुअल डिमांड कर्व होता था, मार्केट डिमांड कर्व होता था, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल होता था और मार्केट डिमांड शेड्यूल होता था। उसी तरह से यहाँ भी इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन और मार्केट डिमांड फंक्शन आया। तो इसमें कोई बड़ा कंसेप्ट नहीं था, बहुत ईजी था। अब हम देखते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। लॉ ऑफ डिमांड क्या है? तो लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड ऑफ एनी गुड एंड सर्विसेज आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। व्हेन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीजेज द डिमांड फॉर द सेम प्रोडक्ट विल फॉल। यहाँ लॉ ऑफ डिमांड में सिंपली कहा गया यही है, नॉर्मल सा चीज़ है। डिमांड जो होता है बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। अभी तक हम लोगों ने डिमांड फंक्शन में ही पढ़ा था, वहाँ भी पढ़ा था फैक्टर्स क्या क्या होते हैं जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं। लेकिन जो लॉ ऑफ डिमांड है उसका कहना होता है कि सारा फैक्टर को कांस्टेंट रख दिया जाए, सारा फैक्टर्स को कांस्टेंट रख दिया जाए और डिमांड जो होता है सिर्फ प्राइस से ही अफेक्टेड होता है। इसका मतलब है जब किसी चीज़ का प्राइस ऊपर चला जाएगा तो डिमांड कम हो जाएगा और किसी चीज़ का प्राइस कम हो जाएगा तो डिमांड ऊपर चला जाएगा। इसी चीज़ को लॉ ऑफ डिमांड में कहा गया। लॉ ऑफ डिमांड सिंपली कहता है कि हम और किसी फैक्टर पर डिमांड डिपेंड नहीं करता है, ये सिर्फ प्राइस पर डिपेंड करता है। किस चीज़ पर डिपेंड करता है? सिर्फ प्राइस पर डिपेंड करता है। इसको हम लोग ग्राफ में भी देखेंगे। ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे प्राइस दिखाया गया है, एक्स एक्सिस पे अभी तक हमेशा क्वांटिटी दिखाया जाता है। सपोज पहले प्राइस पी था तो क्वांटिटी डिमांडेड कितना हो रहा था? क्यू हो रहा था। फिर क्या हुआ? प्राइस कम हो जाता है किसी चीज़ का और उसका कम हो जाता है तो क्वांटिटी डिमांडेड जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। मतलब जब प्राइस कम हो रहा था तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो रहा था। यही लॉ ऑफ डिमांड बोलना चाहता है कि लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि अदर फैक्टर्स जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था, प्राइस ऑफ द रिलेटेड कॉमोडिटी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ये सारा कुछ अभी बेकार है लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग। इनका कहना है कि ये सारा कुछ हम एज्यूम करके चलेंगे कि ये कॉन्स्टेंट रहने वाला है। तो डिमांड सिर्फ डिपेंड करता है किस चीज़ पर? प्राइस पर डिपेंड करता है। और जब हम इन दोनों पॉइंट को मिला देते हैं तो एक कर्व बनता है जिसका नाम होता है डिमांड कर्व।
यही हो जाता है डिमांड कर्व। तो इसमें सिंपली इस कर्व में दिखाया गया है कि जो डिमांड है वो प्राइस पे डिपेंडेंट है। जब प्राइस कम हो रहा था पी वन पे आ रहा है तो डिमांड क्या हो रहा है क्यू वन पे हो जा रहा है। तो अभी तक हम लोगों ने ग्राफ को देखा, ग्राफ हम लोगों ने बहुत जगह बनाया है, आगे भी हम लोग बनाएंगे। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम के लिए, इसलिए ग्राफ बनाना सीख लीजिए। वाई एक्सिस पे प्राइस होगा कि एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी होगा, और किस तरह से प्राइस जब घट रहा है तो डिमांड बढ़ रहा है, इस चीज़ को दिखाया गया है इस पर। अब देखते हैं कि एजम्पशंस लॉ ऑफ डिमांड का क्या है। तो हम मैंने पहले ही बताया था आपको कि लॉ ऑफ डिमांड का क्या मानना है कि सारा कुछ कांस्टेंट होगा। तो ये एज्यूम करके चलता है लॉ ऑफ डिमांड कि प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स जो होगा वो चेंज नहीं होने वाला। रिलेटेड गुड्स का मतलब क्या था, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, उसका प्राइस वही रहने वाला है। इनकम ऑफ द कंज्यूमर जो होगा वो भी चेंज नहीं होने वाला है। कोई उम्मीद नहीं है कि कंज्यूमर भी आगे चलकर नियर फ्यूचर में प्राइस चेंज नहीं होने वाला है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी सेम रहने वाला है, ठीक है। तो इसका एजम्पशंस क्या मान के चल रहा है, बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड है जो ये मान कर चलता है सिर्फ प्राइस पे ही डिमांड है जो डिपेंड करता है, बाकी जितने भी फैक्टर थे ये एजम्पशंस लेकर चल रहा है वो सारे चीज़ कॉन्स्टेंट ही रहने वाले हैं। आज तक डिमांड किसी भी चीज़ में जब कोई भी थ्योरम बनाया जाता है तो कुछ एजम्पशंस लिया जाता है, वही एजम्पशन लॉ ऑफ डिमांड ने भी लिया है कि अपने आप को मान लिया ये सारे चीज़ें तो कांस्टेंट ही रहनी है, बाकी जो सिर्फ प्राइस है उसी पे डिमांड डिपेंड कर रहा होगा। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं लॉ ऑफ डिमांड में, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शंस तो हमेशा होते हैं, ये पहले भी सब लोग पढ़े होंगे कि साइंस में हमेशा एक्सेप्शन दिया जाता है। तो इकोनॉमिक्स भी एक तरह का साइंस ही है, तो यहाँ भी कुछ एक्सेप्शंस को लिया गया है। पहला एक्सेप्शन क्या है, आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग क्या था, जब किसी चीज़ का प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाता है। लेकिन आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन का मतलब क्या है, ऐसा गुड्स या सर्विसेज जो यूनिक हो उसको प्राइस से कुछ लेना देना नहीं है। उसका प्राइस अगर बढ़ भी जाएगा तो डिमांड बढ़ ही रहा होगा, अगर उसका प्राइस कम भी हो जाएगा तो डिमांड कम ही हो रहा होगा, मतलब उसको प्राइस से कुछ लेना देना नहीं है। ऐसा इसका अगर एग्जांपल लेते हैं तो गांधी जी की छड़ी का एग्जांपल ले लें या गांधी जी के चश्मा का एग्जांपल ले लें। एक बार इनके छड़ी का, इनके डंडा का और चश्मा को नीलाम किया गया था कुछ समय पहले, तो इसका प्राइस बढ़ता गया तब भी इसका डिमांड करने वाले लोग बहुत थे। क्यों? क्योंकि ये एक यूनिक प्राइस था। तो ये एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड का। दूसरा एग्जांपल हम लोग क्या ले सकते हैं, इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का मतलब है किसी चीज़ का प्राइस कितना भी कम हो जा रहा है लोग उसको डिमांड नहीं कर रहे हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं नैनो कार। नैनो कार के साथ क्या हुआ था, इतना कम प्राइस में निकाला गया फिर भी लोगों ने नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसको एक स्टेटस सिंबल मान लिया कि इतना कम प्राइस का अगर वो गाड़ी लेकर या कार लेकर मार्केट में घूमेंगे तो उनके स्टेटस में धब्बा लग जाएगा, तो इसको इग्नोर कर दिया गया, ठीक है। तो अभी तक एक्सेप्शन में क्या था, डिस्टिंक्टिव गुड होना चाहिए, मतलब ऐसा गुड जो यूनिक हो, इग्नोरेंस भी था। और तीसरा गिफेन गुड्स। गिफेन गुड्स किसको बोलते हैं, गिफेन गुड्स के बारे में हम लोगों के सिलेबस में ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया है, लेकिन इतना जान लो गिफेन गुड्स वैसे गुड्स को बोलते हैं जो पुअर पीपल कंज्यूम करते हैं। ऐसे गुड्स को जब प्राइस बढ़ता है तो इसका डिमांड भी बढ़ जाता है। अभी तक क्या हो रहा था, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता था, जब प्राइस कम हो रहा था तो डिमांड बढ़ता था, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड भी बढ़ रहा है। यहाँ डिमांड और प्राइस के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप जा रहा था। क्यों, क्योंकि पहले इसको माना जाता था कि ये स्टेटस के साथ हमारे सेट नहीं करता, ये गरीब लोगों का खाना है। जैसे इसका एग्जाम्पल है ज्वार बाजरा, ये ज्वार का पेड़ है, ये बाजरा का पेड़ है। तो ज्वार बाजरा के साथ क्या होता था, ये मान के चला जाता था कि ये खाना जो है गरीब लोग ही खाएंगे। लेकिन जब इसका प्राइस बढ़ने लग गया, आज के डेट में आप देख रहे होंगे ओट्स मिल रहा है, ओट्स क्या है, यही ज्वार बाजरा का ही चीज़ है। तो अब इसका प्राइस बढ़ाकर बेचा जा रहा है और बताया जा रहा है कि इसमें हेल्थ बेनिफिट्स कितने हैं। तो गिफेन गुड्स में क्या हो रहा है कि अब प्राइस बढ़ने के कारण इसका डिमांड बढ़ गया, जबकि प्राइस पहले कम हुआ करता था तो डिमांड भी कम हुआ करता था, सिर्फ गरीब लोग ही खाया करते थे इसको। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, आज हम लोगों ने पढ़ लिया कि मार्केट डिमांड फंक्शन क्या था, शो करता है रिलेशनशिप बिटवीन द मार्केट डिमांड एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन क्या था, ये शो करता था रिलेशन के बीच, किसके बीच में, इंडिविजुअल डिमांड के बीच में और फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंडिविजुअल डिमांड। और लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड का कहना है कि सारे फैक्टर्स जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं उनको कॉन्स्टेंट रख दिया जाए, ये एजम्पशन माना गया था, और डिमांड जो है सिर्फ प्राइस पर ही डिपेंड करता है।
लेकिन लॉ ऑफ डिमांड का कुछ एक्सेप्शन भी रखा गया था। इस एक्सेप्शन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। एक्सेप्शन क्या था? पहला था यूनिक प्रोडक्ट। यूनिक प्रोडक्ट के लिए एग्जांपल हम लोगों ने क्या दिया था? गांधी जी का छड़ी या गांधी जी का चश्मा। जब गांधी जी का चश्मा बिकने लगा या गांधी जी का छड़ी बिकने लगा तो उसको बहुत ज़्यादा ज़्यादा अमाउंट देकर लोग खरीदने के लिए रेडी थे, तो वहाँ भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लीकेबल नहीं हुआ। इग्नोरेंस का मतलब क्या था? जहाँ लोग इग्नोर कर देते हैं, लोगों को लगने लगा कि ये अच्छा नहीं होगा, स्टेटस पे सूट नहीं करेगा, बहुत सारे तरह का फैक्टर लग गया, तो यहाँ भी क्या, इसका कितना भी प्राइस कम हो गया बट इसका डिमांड ज़्यादा नहीं हो पाया। डिफेंस गुड्स ऐसा गुड्स था जिसको गरीब लोग ही कंज्यूम करते हैं, ये एक स्टेटस सिंबल की बात हो जाती है। जब तक इसको मान के चला जा रहा था कि ये गरीब लोगों का खाना है, इसका डिमांड नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही ओट्स का प्राइस बढ़ने लग गया, ओट्स जो कि ज्वार या बाजरा से बनता है, बढ़ने लग गया, तो उसका डिमांड क्या हुआ? बढ़ गया। तो आज हम लोगों ने इतना कुछ कंप्लीट कर लिया। थैंक यू वेरी मच। और चैनल अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब भी कीजिए इसको और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।